चालाक बुजुर्ग। एक दिन एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी मुसाफरी कर रहा था। ट्रेन के उसी डब्बे में 5-6 नौजवान लड़के भी बैठे थे। तभी उस नौजवान लड़कों के मन में कुछ शरारत करने का आइडिया आता है। यह आइडिया यह था कि उन लोगों को ट्रेन की चेन खींचनी थी। फिर उन लड़कों के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर चेन खींचेंगे तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फाइन भर देंगे। सभी लोग 100-100, 150-150 रुपए इकट्ठा कर लो, जितना भी फाइन लगेगा हम भर देंगे। सभी ने पैसे इकट्ठे कर लिए, पूरे मिलाकर 900 रुपए इकट्ठा हुए। ट्रेन में सफ़र कर रहा वो बुजुर्ग ये सब देख रहा था। फिर उन लड़कों के मन में आता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम चेन भी खींच लें और हमें फाइन भी ना भरना पड़े। उसमें से एक लड़का बोलता है, हाँ मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, जिससे हम चेन भी खींच लेंगे और फाइन भी ना भरना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग बड़ी आतुरता के साथ पूछने लगे, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास। उस लड़के ने कहा, क्यों ना हम ट्रेन की चेन खींच के उसका आरोप इस बूढ़े पे लगा दें। ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और चेन खींचने का मज़ा भी आएगा। वो बुजुर्ग आदमी ये सब सुन रहा था। उसने कहा, लड़कों ये सब ये कहा मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन ये सभी लड़के बोल रहे थे कि नहीं, हम तो परेशान करेंगे। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दी। वो बुजुर्ग आदमी सोच रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन के अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि ये ट्रेन किसने खींची। उन सभी लड़कों ने कहा, बूढ़े आदमी ने चेन खींची। सभी वह अधिकारी से पूछ बुजुर्ग से पूछा कि आपने चेन क्यों खींची। तभी उस बुजुर्ग ने कहा, अधिकारी के कहा कि इन लड़कों ने मेरे 900 रुपए छीन कर अपनी जेब में रख लिए, तो मैंने परेशान होकर ट्रेन की चेन खींच दी। उस अधिकारी ने तुरंत लड़कों की जेब चेक की और उन्हें 900 रुपए मिले, जो इस लड़कों ने इकट्ठे किए थे। इन्होंने वो 900 रुपये इस बुजुर्ग को दे दिए और उन सभी लड़कों को आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। हमें किसी बुजुर्ग आदमी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो ये काम कई साल पहले ही करके बैठ गए हैं।